घोटाला किया ही नहीं तो केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की बात क्यों कर रहा है? कोने कोने से आ रही एक ही आवाज की केजरीवाल जी, आप ऐसी शराब नीति लाएंगे कि तुम एक बोतल शराब की खरीदो, चार बोतल तुम्हारे घर में फ्री पहुंचाएंगे। बस इतना बता देना यारों कि ऐसी शराब नीति क्यों बनाई जो दिल्ली को शिक्षित नहीं बेवड़ा बना रहा था। वाकई केजरीवाल ही गारंटी है, पहले बीजेपी से समर्थन लिया, आज दुश्मन हो गया। सत्ता में आने के लिए अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण सबको धोखा दिया। अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, एलजी, मोदी सबको कोसते रहते हैं, लेकिन एमसीडी के अध्यापकों को ग्रेच्युटी नहीं देंगे। ईडी इतना देर क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिल चुकी है, केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। दिल्ली सरकार के काम रुके हुए हैं, दिल्ली वाले भी चाहते हैं केजरीवाल जेल जाए और वहीं से सरकार चलाए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला तथा अन्य घोटाले करके जो पाप किए हैं उनकी सजा के बारे में सोचकर वे डर गए हैं। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान घोटालों की वजह से दिल्ली के खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है, अब गिरफ्तारी के डर से वे दिल्ली में फर्जी अभियान चलवा रहे हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो पाप किए हैं उनकी सजा तो भुगतनी ही होगी। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता एक फर्जी अभियान से जुड़े हैं। आप नेता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली वाले चाहते हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहे। बिधूड़ी ने सवाल पूछा है कि क्या यह अभियान भी उसी तरह का फर्जी अभियान नहीं है जो अक्सर आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में करने का दावा करती रही है। हमारे सारे विधायक दूध के धुले हैं और हमने सर्वे करके ही उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी नेता बिधूड़ी के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में जिस इलाके में शराब की दुकान खोली जाएगी वहां की महिलाओं के बीच इसका सर्वे कराया जाएगा। नई शराब नीति लागू करने के लिए उन्होंने गली गली में शराब के ठेके खुलवा दिए और वहां भी फर्जी सर्वे करवाए गए होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है तो फिर जनता से पूछकर उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कानून अपना काम करता है। जनता यह तय नहीं कर सकती कि किसी को अपराध की क्या सजा दी जाए, यह अधिकार तो अदालत का है। बिधूड़ी का कहना है कि दिल्ली के सीएम के भविष्य के बारे में फैसला तो विधानसभा चुनावों में होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। टैक्स के पैसे पर भ्रष्टाचार करने का अधिकार दिल्ली के चुने हुए राजा केजरीवाल का है। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार स्वीकार करने और पकड़े जाए तो जनता के रेफरेंडम को एलजी और मुख्य सचिव को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा अदालतों, न्याय की बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित करीब 18 फाइलों और प्रस्तावों पर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ऐसी सभी फाइलों को 3 दिन के भीतर निर्णय के लिए उनके पास प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये फाइलें 6 महीने से दिल्ली सरकार के कानून मंत्री के पास लंबित है। राजनिवास के सूत्रों के मुताबिक इन फाइलों में रोहिणी में जिला न्यायालय परिसर के निर्माण, राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों के चैम्बर, जिला अदालतों के लिए थिन क्लिंट मशीनों की खरीद, फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर, राज्य और कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन, आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि आदि के प्रस्ताव शामिल है। जानकारी के मुताबिक प्रमुख सचिव कानून और न्याय द्वारा 4 दिसंबर को प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद एलजी सचिवालय द्वारा एक पत्र प्रमुख सचिव को भेजा गया है। इस पत्र की एक कॉपी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। सूत्रों के अनुसार एलजी सचिवालय के संज्ञान में ऐसी 18 फाइलें आई थी। 13 नवंबर को इन फाइलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए दिल्ली सरकार के कानून मंत्री को पत्र लिखा गया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने गुरुवार को प्रधान सचिव को पत्र लिखकर आप सरकार द्वारा इन फाइलों को निपटने में हुई अप्रत्याशित देरी और
इससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता के प्रभावित होने की बात कही। वहीं एलजी कार्यालय के एक्शन में आते ही केजरीवाल सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट केजरीवाल सरकार ने किया है। इसके अलावा विश्व स्तरीय कोर्ट परिसर का निर्माण दिल्ली में किया गया। केजरीवाल सरकार ने राउज एवेन्यू कोर्ट, कक्कड़ डुमा कोर्ट परिसर, हाई कोर्ट में अलग अलग ब्लॉक समेत 3000 कोर्ट के निकट कोर्ट परिसर का निर्माण कराया गया। वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना आमने सामने थे। उपराज्यपाल ने नरेश कुमार का सेवानिवृत्ति के बाद एक साल का सेवा विस्तार के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। वे एक साल के लिए नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना चाहते थे। एलजी उन्हें उनके काम का पुरस्कार देना चाहते हैं। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नरेश कुमार का निलंबन चाहते थे। उन्होंने मुख्य सचिव के विरुद्ध सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट एलजी को भेजी थी, जिसमें उन्होंने बामनोली जमीन अधिग्रहण मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नरेश कुमार को तुरंत पद से हटाकर उन्हें निलंबित करने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री को रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेजने का भी आदेश दिया था। लेकिन इस मामले में भी केजरीवाल को बड़ा झटका लगा था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। इस देश के लिए सबसे बड़े आतंकवादी इस देश के भ्रष्ट नेता हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं। जेल जाएंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। जनता कुछ फ्री की चीजें पाने के लिए इन भ्रष्टाचारियों को जिताएगी। फिर ये 10 रुपए के बजट में 9.5 रुपया अपने पॉकेट में रखेंगे बाकी जनता को। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ इनकम टैक्स रेड के बाद दिलचस्प यह है कि कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती है। ऐसे वीडियो इस बात का सबूत है कि एजेंसियां एकदम सही रास्ते पर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है धीरज कुमार साहू। झारखंड, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में इनसे जुड़े करीब 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। छापेमारी की कार्रवाई 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुई, जो अब तक जारी है। इस दौरान इतना केस मिला कि विभाग को ट्रक में लोड करके ले जाना पड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार 2 दिन बाद भी नोटों की गिनती का काम पूरा नहीं हो पाया है। कुछ रिपोर्टों में अब तक 150 करोड़ तो कुछ एक में 200 करोड़ रुपए की गिनती होने की बात कही गई है। कहा गया है कि कुल केस करीब 300 करोड़ रुपए तक निकल सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 9 अलमारी मिली है जिनमें नोटों के बंडल भरे हुए थे। 8 दिसंबर को ऐसी ही कुछ अलमारी की तस्वीरें भी सामने आई थी। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली है कि पैसा गिनते गिनते मशीनें भी खराब हो जा रही है। कहा जा रहा है कि यह देश के वैध तरीकों से जब्त की गई अब तक की सबसे बड़ी रकम हो सकती है। इतनी बड़ी मात्रा में नकद मिलना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि 2018 के चुनावी हल्फनामे में साहू ने अपने ऊपर 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज बताया था। कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई थी। 2016-17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था उसमें अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से कुछ ही अधिक बताई थी। साहू का यह राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है। पहली बार वे जून 2009 में चुनकर आए, फिर 2010 और उसके बाद 2018 में तीसरी बार संसद के उच्च सदन में पहुंचे। वे झारखंड की चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर दोनों ही बार उन्हें हार मिली। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद की कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। इतनी बड़ी रकम की बरामदगी को देखते हुए केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके रिश्तेदारों का शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी मूल रूप से देसी शराब बनाने का काम करती है। इस धंधे में कंपनी करीब 4 दशक से है। कंपनी का नाम धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। कांग्रेस सांसद के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कंपनी में शामिल हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर, जय हिंद जय भारत। यह आदमी शशि थरूर कांग्रेस का लुटिया डुबा देंगे। यह आदमी पढ़ता लिखता और सोचता अंग्रेजी में है।
और अंग्रेजी के हिसाब से ही भारत को देखता है, और ज्यादातर जो कांग्रेस के नेता है वो ऐसे ही है। मतलब विदेशी नजरिए से भारत को देखने वाले, हिंदी भाषा से नफरत करने वाला, शशि थरूर पर चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। वकील जय अनंत ने पोस्ट किया कि शशि थरूर ने ताज होटल के चैंबर्स में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने दावा किया कि सांसद महुआ मोइत्रा वहां मौजूद थी और उन्होंने उन्हें पुलिस को इसकी सूचना देने से रोका। क्या महुआ मोइत्रा इसका जवाब देगी? तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर पिछले दिनों रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले उनके पूर्व मित्र सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने एक्स अकाउंट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर को लेकर बड़ा ट्वीट किया है। जय अनंत ने 8 दिसंबर को दिए गए एक ट्वीट में लिखा, शशि थरूर को जेल में होना चाहिए न कि संसद में। उनका ये पोस्ट उनके द्वारा किए गए एक पहले ट्वीट से जुड़ा है जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया। अपने पुराने पोस्ट में जय अनंत ने दावा किया था कि महुआ मोइत्रा और उनके सामने शशि थरूर ने एक महिला से छेड़छाड़ की थी और महुआ इस मुद्दे पर चुप रही थी। डिलीट किए गए पोस्ट का स्क्रीनशॉट ऑफ इंडिया पर सेव है। देख सकते हैं कि जय अनंत ने लिखा, महुआ ने जो नारी विरोधियों पर अपनी टिप्पणी की वो हास्यास्पद है और दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा पाखंडी है। पोस्ट में जय अनंत ने दावा किया है कि मैंने और महुआ ने 11 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के ताज चैंबर में खुद एक महिला के साथ शशि थरूर को छेड़छाड़ करते हुए देखा था, लेकिन तब महुआ ने शशि के उस बर्ताव की पोल खोलने से महुआ ने मुझे रोका। मुझे यकीन है महुआ बता सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया था। कुछ देर बाद जय ने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया, मगर पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि जय अनंत और महुआ मोइत्रा कथित तौर पर एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। जय अनंत ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पिछले दिनों कुछ आरोप लगाए थे, जिसके बाद मोइत्रा को लोकसभा एथिक्स कमेटी और सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा था। इस मामले को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जोरों शोरों से उठाया था। उन्होंने इस संबंध में लोकसभा एथिक्स कमेटी को भी शिकायत की थी कि दुबई के कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी ने महुआ मोइत्रा को लग्जरी आइटम्स तोहफे में दिए थे ताकि वो महुआ के संसद लॉगिन से अपने सवाल पूछ सके। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद जय भारत। मनमोहन को भारत रत्न देना चाहते थे प्रणब मुखर्जी, लेकिन सोनिया गांधी ने धोखा दे दिया। बेटी शर्मिष्ठा की किताब में बड़ा खुलासा। पूर्व राष्ट्रपति और आजीवन कांग्रेसी रहे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहते हुए मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा था वह सोनिया गांधी का विचार जाने। यह खुलासा प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा द्वारा लिखी गई एक नई किताब प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स में सामने आई है। यह किताब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की डायरी में लिखी बातों पर आधारित है। शर्मिष्ठा ने कहा कि मनमोहन सिंह के बारे में जब भी चर्चा होती थी तब प्रणब कहते थे कि वो ट्रू जेंटलमैन है, लेकिन बाबा की डायरी से पता चला कि जब वो राष्ट्रपति थे तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। मनमोहन सिंह विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधार किया था। बेटी शर्मिष्ठा ने कहा कि बाबा चाहते थे कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की और कैबिनेट सेक्रेटरी को बताया कि पुलक चटर्जी से बात करके सोनिया गांधी का विचार क्या है जाने, लेकिन इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता क्योंकि बाद के घटनाक्रम का डायरी में जिक्र नहीं है। शर्मिष्ठा ने कहा कि अगले साल सचिन तेंदुलकर और सीएन राव को भारत रत्न दिया गया। मनमोहन सिंह पर कोई जवाब आया था या नहीं मैं नहीं कह सकती क्योंकि इसके बारे में डायरी में चर्चा नहीं है। कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी पीएम मटेरियल है। राहुल गांधी विदेश में पढ़े लिखे हैं इसलिए प्रधानमंत्री बनने की क्षमता उनमें है। ऊपर जो दो वाक्य हैं वो सिर्फ उदाहरण भर, ऐसे 10-20 लाइन आपको हर कांग्रेसी या कथित लिबरल सुनाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। राहुल गांधी की असली सच्चाई लेकिन बताई है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। राहुल गांधी मतलब नेहरू गांधी खानदान वाला अहंकार।
राहुल गांधी मतलब सरेआम भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला, राहुल गांधी मतलब राजनीति की जीरो समझ। एक समय की बात है जब भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और राहुल गांधी सिर्फ सांसद। कोई भी सांसद भारत के राष्ट्रपति से ऐसे ही मुंह उठाकर मिलने नहीं जा सकता, लेकिन राहुल गांधी अपने को कोई भी सांसद नहीं समझते थे। शायद एक दिन सुबह सुबह पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। प्रणब मुखर्जी तब मुगल गार्डन, जिसका नाम अब बदल कर अमृत उद्यान कर दिया गया है, उसमें टहल रहे थे। टहलने के पसंदीदा काम पर ब्रेक लगने से वो झल्लाए जरूर, लेकिन मिल लिए। सांसद और राष्ट्रपति के इस मिलन की असली कहानी इससे भी मजेदार है। सांसद राहुल गांधी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलना था शाम में, लेकिन पहुंच गए सुबह ही। हुआ यह कि राहुल गांधी के ऑफिस ने शाम की जगह सुबह का प्लान बता दिया था सांसद महोदय को। इस पूरे मामले पर जब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिताजी से पूछा तो उनका जवाब व्यंग्य से भरा हुआ था। अगर राहुल का दफ्तर AM और PM के बीच अंतर नहीं कर सकता तो वह भविष्य में प्रधानमंत्री कार्यालय को संचालित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस की बस एक ही स्टोरी, रिश्वतखोरी, घोटाला और चोरी। कांग्रेस नेता और झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर में कपड़े रखने की जगह की हुई कमी। इस तकलीफ को देखते हुए इनकम टैक्स वाले पहुंचे धीरज साहू की मदद के लिए। यह किसी बैंक का लॉकर नहीं है, यह कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से आयकर विभाग की छापेमारी में जब्त किए गए पैसे हैं। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस ने न सिर्फ अपने नेताओं की गरीबी मिटाई, वो भी गरीबों का हक लूट के। यकीन नहीं होता कि किस तरह आम जनता के खून पसीने की कमाई को इन नेताओं ने अपने घरों में काले धन के रूप में छिपा रखा है। झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग को छापेमारी में करोड़ों की नकदी मिली है। यहां अलमारियों में भरकर पैसा रखा गया था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। अब आयकर ने यह बरामदगी की है। उनके अन्य कई ठिकानों पर छापेमारी अब भी जारी है। आयकर विभाग ने यह छापेमारी झारखंड और ओडिशा के कई शहरों में की है। सांसद धीरज साहू के रांची और लोहरदगा स्थित आवास के अतिरिक्त उनके नजदीकियों के ओडिशा के बोलांगीर, संबलपुर और कालाहंडी में स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। यह टीम बुधवार से ही छापेमारी कर रही है। धीरज साहू से संबंधित बोध डिस्टलरी में भी आयकर विभाग ने छापा मारा है। इन सब ठिकानों से आयकर विभाग को इतनी नकदी मिली है कि उसे गिनने के लिए मशीनें कम पड़ रही है। एक अलमारी की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें नोटों की गड्डियां रखी हुई देखी जा सकती हैं। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि कल तक केवल 50 करोड़ की गिनती हो पाई थी, जिसके बाद मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। अभी भी गिनती जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि यह आंकड़ा सैकड़ों करोड़ के पार जा सकता है। ओडिशा के भीतर हुई छापेमारी में यह जानकारी सामने आई है कि यह धीरज साहू के करीबी W साहू के ठिकानों पर हुई है, जिनका ओडिशा के भीतर शराब का बड़ा कारोबार है। यहां बोध डिस्टिलरी के रायगढ़, बोलांगीर और संबलपुर स्थित यूनिट पर छापेमारी हुई है। यह छापेमारी आयकर विभाग की ओडिशा, कोलकाता और झारखंड की आयकर विभाग की टीमें कर रही है। रांची स्थित आवास पर हुई छापेमारी में टीम ने यहां काम करने वाले स्टाफ को अंदर घुसने नहीं दिया और उन्हें नोटिस देकर लौटा दिया। धीरज साहू वर्ष 2018 से झारखंड से राज्यसभा सांसद है। इससे पहले भी एक बार वे कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वह राज्य में कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार है। हालांकि अब उनके ओडिशा और झारखंड स्थित ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामद हो रही है। जल्द ही इससे जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आएगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ बहुमत भाजपा को मिल चुका है, लेकिन रिजल्ट आने के 5 दिन के बाद भी सरताज कौन होगा इसका फैसला नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्गजों के चुनाव जीतने से कयासों का दौर जारी है और हर बड़े नेता के समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने का दावा और बातें कर रहे हैं। इसी बीच अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधायक दल की बैठक शनिवार को हो सकती है। दिल्ली से लेकर जयपुर, भोपाल और रायपुर तक चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, कैलाश विजय वर्गीय और बीडी शर्मा के बाद अब मुख्यमंत्री की रेस में एक और नया नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामने आ रहा है। सिंधिया के नाम की चर्चाएं तेज होती दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं और इस बार के चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा की सीटों में हुए इजाफे ने उनके कद को कहीं न कहीं पार्टी में ऊंचा भी किया है। सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए भाजपा आलाकमान को पिछड़ा वर्ग के चेहरे की तलाश है, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो पिछड़ा वर्ग के चेहरे हैं जो सीएम की रेस में आगे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पर प्रमोट किया गया था और ग्वालियर में मंच से उन्हें ओबीसी वर्ग का नेता बताया गया था। मध्य प्रदेश में साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के ऐतिहासिक बहुमत में ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के योगदान को इस बात से समझा जा सकता है कि इस बार भाजपा ने ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों में 34 विधानसभा सीटों में से 18 सीटें जीती है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10 सीटें ज्यादा हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि तब सिंधिया कांग्रेस में थे और बाद में कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी।